कार्यभार संभालने के बाद हाउसिंग फॉर ऑल एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचुअलिटी, रेगुलरिटी और एक्सेप्टेंस साथ ही ऑनेस्टी के आधार पर कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि स्वच्छता और हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर कमल गुप्ता को दे दिए हैं। हाउसिंग फॉर ऑल एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हाउसिंग फॉर ऑल एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से। स्थानीय निकाय एवं हाउसिंग फॉर ऑल मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, इस मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी। जी, आपको सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप यहां आए, फिर मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और जो बात आपने प्लानिंग की कल रात को ही मुझे पता लगा कि ये अर्बन लोकल बॉडी, जिसको शहरी निकाय डिपार्टमेंट कहते हैं, और दूसरा एक आदरणीय मोदी जी की बहुत ही अच्छी योजना, गरीबों के लिए योजना, आवास की योजना, तो उसका विभाग भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौंपा है, उसकी जिम्मेवारी सौंपी है। तो आज अभी तक तो एक किस्म से औपचारिक मिलन चल ही रहा है। मेरा अभी पूरी बात हो जाएगी तो कल ही मैंने पूरे प्रदेश के जो मुख्य अधिकारी हैं और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, और चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्हें सबको बुलाया है। और जो हमारी वर्किंग योजना है, और सबसे बड़ी बात पंचुअलिटी की है कि सब ऑफिसेस शुरू में जो शुरू होते हैं समय से शुरू होने चाहिए, और हमारे सब ऑफिसर ऑनेस्ट होने चाहिए, और सभी रेगुलर काम करने वाले होने चाहिए, सभी योग्यता होनी चाहिए, और सभी जो जिम्मेवारी जिसको मिली हुई है उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हम कल एक चर्चा करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, एक्सेप्टेंस, ऑनेस्टी, इन आधार पर हम अपने इन दोनों महकमों का कार्य बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने कहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री का एक सपना भी है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी आज अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है और आपने चर्चा भी की है, तो आगे की क्या प्लानिंग की है? अभी हमने जो चर्चा की है वो कल की मीटिंग की है। विषय की चर्चा हम बाद में करेंगे, हमारी फंक्शनिंग ठीक हो, स्मूथ हो। और मेरा जिन अधिकारियों ने इस महकमे में काम करना है, मेरा व्यू उनको पता लगे, उनकी कोई दिक्कत है तो वो मुझे पता लगे, तो कल की ये एक मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, एक किस्म से विजनरी मीटिंग होगी, कार्य तो फिर शुरू करेंगे ना। डॉक्टर साहब, एक दूसरा विभाग है स्थानीय निकाय विभाग, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है, हर कोई चाहता है कि साफ सफाई रहे और कहीं गंदगी ना फैले, और जो स्वच्छता का है वो भी मोदी जी का एक प्रोजेक्ट है कि स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे देश को अच्छी तरह साफ सुथरा रखा जाए, तो उसको लेकर भी आपने कोई योजना बनाई है? ठीक बात है आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्य की योजना किस तरह से हम विस्तार करेंगे वो मैं फिर कभी आपसे मिलकर बात करूंगा। अभी तो जो ऑफिसर्स और जिन चुने हुए प्रतिनिधियों ने ये बात करनी है उनसे मैं पहले उनका हालचाल पूछूं, उनकी डिफ़िकल्टी पूछूं, तभी हम इस पर विचार कर पाएंगे। अब कल रात को इसका विषय का डिपार्टमेंट का फैसला हुआ है, और आज हमने ये तय कर दिया कि कल हम पूरे प्रदेश के ऑफिसर्स से और चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। ये थे मेरे साथ स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। इन्होंने बताया कि उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा
कि पहले अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।